हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो वर्ब्स है, छिपाने की वर्ब्स कौन सी है, कोशिश करने की वर्ब्स कौन सी है, या ढूंढने की कौन सी वर्ब है, इनके बारे में हम सीखेंगे। साथ ही कुछ नए वर्ड्स हैं जो आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि किसी को बोलना है कि मैंने कुछ नहीं छिपाया है, तो कौन सी वर्ब्स यूज ली जाएगी, कैसे उसको प्रोनाउंस करना है, बोलना है, या मैं कोशिश करूँगा, तो इन सब लाइनों को कैसे इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इटालियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया है, उनको एक छोटी सी टिप्स देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखें, जो चैनल पर पुराने वीडियोज़ है उनको देखें, उनसे सीखें, फिर धीरे धीरे आप लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ें, जिससे आपको लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसे छिपा दे, तो उसके लिए हम बोलेंगे नास्कोन दिलो। नास्कोन दिलो मतलब इसे छिपा दो। नास्कोन दिलो पीछे लो लगा है मतलब इसको छिपा दो। नास्कोन दिलो, नास्कोन देरे वर्ब है छिपाने की, टू हाइड, और इसे छिपा दो तो नास्कोन दिलो मतलब इसे छिपा दो। नास्कोन दिलो इसको छिपा दो, या नास्कोन दे रिक्वेस्टो इसे छिपा दो, ऐसे भी बोल सकते हो आप। इसके बाद में मैं इसे छिपाता हूँ तो लो नास्कोन दो। लो नास्कोन दो मतलब मैं इसे छिपाता हूँ, या नास्कोन दो क्वेस्टो मैं इसे छिपाता हूँ, दोनों तरीके हैं, कोई सा भी आप बोल सकते हो। नास्कोन दो मतलब मैं छिपाता हूँ, और इसे छिपाता हूँ तो लो नास्कोन दो, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर किसी को पूछना है कि तुमने कहाँ छिपाया, तो वर्ब है पास्ट में, तो इसलिए नास्कोस्तो, दोवे लाई नास्कोस्तो मतलब तुमने इसे कहाँ छिपाया, दोवे लाई नास्कोस्तो मतलब तुमने इसे कहाँ छिपाया। जो लाई है इसका एल हटा देते तो इसका मतलब हो गया कि तुम कहाँ छिप गए, दोवे आई नास्कोस्तो मतलब तुम कहाँ छिप गए, और दोवे लाई नास्कोस्तो मतलब तुमने इसे कहाँ छुपाया है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दोवे आई नास्कोस तो मतलब तुम कहाँ छिप गए, तो ये डिफरेंस है छोटा सा, इसको ध्यान में रखें। इसके बाद में अगर आपको बोलना है कि मैंने कुछ भी नहीं छिपाया, तो नॉन ओ नास्कोस तो नुल्ला, नॉन ओ नास्कोस तो नियंते, कुछ भी बोल सकते हो आप। नॉन ओ नास्कोस तो नुल्ला मतलब मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। अगर आपको कोई बोल दे कि तुमने कुछ छिपाया है और आपको बोलना है कि नहीं मैंने कुछ नहीं छिपाया, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, नो 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 नास्कोस तो नुल्ला। और अगर किसी को बोलना है कि नहीं मैंने कुछ नहीं छिपाया, आप जांच कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, तो नो 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 नास्कोस तो नुल्ला पुई कंट्रोलारे। कंट्रोलारे वर्ब है चेक करने की, कंट्रोल करने की, दोनों में काम आती है। पुई हो गया कि तुम कर सकते हो, पोतेरे वर्ब है उससे निकला है पुई मतलब तुम कर सकते हो, पुई कंट्रोलारे तुम चेक कर सकते हो, तुम कंट्रोल कर सकते हो, दोनों में काम ले सकते हैं। तो नहीं मैंने कुछ नहीं छिपाया तो नो 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 नास्कोस तो नुल्ला पुई कंट्रोलारे मतलब तुम चेक कर सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैंने कोशिश की, मैंने ट्राई किया, तो इसको हम बोलेंगे ओ प्रोवातो। प्रोवारे वर्ब है कोशिश करने की, ट्राई करने की, और मैंने ट्राई किया तो प्रोवातो, पास्ट में है वर्ब इसलिए ओ प्रोवातो, मैंने कोशिश की। जैसे कि मैंने कोशिश की लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तो ओ प्रोवातो मा नॉन फुंसियोने। फुंसियोनारे वर्ब है काम करने की, पीछे वीडियो में मैंने बताया था, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। फुंसियोनारे वर्ब होगी काम करने की, और यह काम नहीं कर रहा तो नॉन फुंसियोने। ओ प्रोवातो मैंने कोशिश की, मा मतलब बट लेकिन, मा का मतलब लेकिन, नॉन फुंसियोने या फुंसियोना दोनों लगा सकते हो आप। ओ प्रोवातो मा नॉन फुंसियोना, मैंने कोशिश की लेकिन यह काम नहीं करता, इस तरीके से बोल सकते हो। इसके बाद में मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं उससे संपर्क नहीं कर सका, तो ओ प्रोवातो मोलते वोलते मा नॉन सोनो रियुशी तो अकोंता तार लो। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं उसे संपर्क नहीं कर सका। रियुशी वर्ब है सक्सेस होने की, कर सकने की, और नहीं कर सका तो रियुशी तो अकोंता तार लो मतलब उससे संपर्क नहीं कर सका। ओ प्रोवातो मोलते वोलते मा नॉन सोनो रियुशी तो अकोंता तार लो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वर्ब है प्रेजेंट में, तो स्टो प्रोवांदो मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्टो प्रोवांदो, स्टो चिरकांदो ये भी बोल सकते हो आप कोशिश करने में, चिरकांदो जो चिरकारी वर्ब है, ये सर्च करने की, ढूंढने की और कोशिश करने में भी काम ली जा सकती है।
वैसे प्रोवारे वर्ब है कोशिश करने की, तो प्रोवांदो मतलब मैंने कोशिश की, नहीं स्तो प्रोवांदो मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंट में, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ तो स्तो प्रोवांदो, जैसे कि स्तो प्रोवांदो आ इम्परारे मा को एक कोजी डिफिचिले, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बहुत कठिन है, तो कठिन को बोलते हैं डिफिचिले, सरल को बोलते हैं फाचिले। स्तो प्रोवांदो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आ इम्परारे मतलब सीखने की, मा ए कोजी डिफिचिले यह बहुत कठिन है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या दूसरा तरीका भी है, स्तो चेरकांदो आ इम्परारे मा ए मोल, तो दूर दूर हो गया हार्ड कठिन, तो स्तो चेरकांदो ये भी यूज ले सकते हो आप, स्तो चेरकांदो आ इम्परारे मा ए मोल तो दूर, ये भी तरीका है बोलने का कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह बहुत कठिन है, तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज ले सकते हो। इसके बाद में है मैं किसी की खोज कर रहा हूँ, मैं किसी की किसी को देख रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ, तो उसमें भी आप चरकारे वर्ब का यूज ले सकते हो, स्तो चेरकांदो क्वालकुनो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और अगर पास्ट में है मतलब मैंने ढूंढ लिया, मैंने कोशिश मैंने ढूंढा था मैंने खोजा था, तो वो चेरकातो, या जो मैंने बताया है कि मैंने कोशिश की, तो उसमें भी आप लगा सकते हो वो चेरकातो, वो प्रोवातो और चेरकातो दोनों यूज ले सकते हो आप, वो चेरका तो मतलब मैंने ढूंढा मैंने कोशिश की, दोनों में हम काम ले सकते हैं। इसके बाद में है अशुगार्लो बेने मतलब इसे अच्छे से सुखा ले, अच्छे से सुखाओ, तो अशुगार्लो बेने, अशुगारे वर्ब है सुखाने की, और इसको सुखाओ तो पीछे आया है लो, अशुगार्लो मतलब इसको सुखाओ, बेने हो गया अच्छे से, तो इसको अच्छे से सुखाएं तो अशुगार्लो बेने, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अशुगारे वर्ब है सुखाने की, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगर प्रेजेंट में मैं सुखा रहा हूँ तो हम बोलेंगे स्तो अशुगांदो मैं सुखा रहा हूँ, स्तो अशुगांदो मैं सुखा रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैं ग्लास सुखा रहा हूँ तो इल्वेत्रो बोल सकते हैं हम, या इबिकेरी भी बोल सकते हैं, जैसे कि स्तो अशुगांदो इल्वेत्रो मैं ग्लास सुखा रहा हूँ, वेत्रो बोलते हैं कांच को, ग्लास को भी बोल दिया जाता है इल्वेत्रो, स्तो अशुगांदो इल्वेत्रो में गिलास सुखा रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या स्तो अशुगांदो इ बिकेरी में गिलासे सुखा रहा हूँ, बिकेरी होगी गिलासे, स्तो अशुगांदो इ बिकेरी में गिलासे सुखा रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में क्या यह सूखा है, तो इसको हम बोलेंगे ए अश्यूतो, ए अश्यूतो क्या यह सूखा है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर अशुगारे वर्ब का पास्ट है तो वो होता है अशुगातो मतलब सुखा दिया, यह सूखा है तो हम बोलेंगे अश्युतो, ए अश्युतो क्या यह सूखा है, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं, जैसे कि नहीं ये सूखा नहीं ये अभी भी गीला है, तो नो नो ने अश्युतो ए अंकोरा बन्यातो, बन्यारे वर्ब है गीला, गीला करने की, और अगर गीला है पास्ट में है मतलब गीला है तो बन्यातो, जी रहेगा साइलेंट बन्यातो, नो नो ने अश्युतो नहीं यह सूखा नहीं है, ए अंकोरा, अंकोरा हो गया स्टिल नाउ अभी भी, अंकोरा बन्यातो अभी भी गीला है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में बन्यारे वर्ब है गीला करने की, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और इसे गीला कर दें तो हम बोलेंगे बन्यार लो, बन्यार लो मतलब इसको गीला कर दो, इसको गीला करो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या अगर किसी को बोलना है कि तुमने मुझे गीला कर दिया, तुमने मुझे भिगो दिया, तो हम बोलेंगे मी आई बन्यातो, मी आई बन्यातो मतलब तुमने मुझे भिगो दिया, तुमने मुझे गीला कर दिया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या अगर किसी को बोलना है कि सावधान रहे या ये अभी भी गीला है, तो स्टे अटेंटा ए अंकोरा बन्यातो, स्टे अटेंटा मतलब सावधान रहे, ए अंकोरा बन्यातो मतलब यह अभी भी गीला है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसे सुखा दिया, तो मैंने आपको बताया था अशुगारे वर्ब का पास्ट में जो बोलते हैं उसको बोलेंगे अशुगातो मतलब सुखा दिया, लो अशुगातो मतलब मैंने इसे सुखा दिया, लो अशुगातो, ओ अशुगातो मतलब मैं सूख गया, किसी को बोलना मैं सूख गया तो ओ अशुगातो, अगर मैंने इसे सुखा दिया तो हम वो ही बोलेंगे लो अशुगातो मतलब मैंने सुखा दिया, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में, कि कैसे बातचीत करते हैं, कैसे किसी को कुछ बताना होता है तो कैसे उसको समझाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।